सब्सक्राइब कीजिए एक्सपेक्टेड बीच चैनल को और बेल आइकन को दबा के हर एक नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन पाइए। हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक नॉर्मल ईयरफोन या फिर आपका कोई भी माइक्रोफोन जो कि बेसिक है, उससे आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हो, लेकिन उसको आप बहुत ही अच्छा वॉइस बना सकते हो Audacity के थ्रू। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज दिखाऊंगा जिसको करने के बाद आपका जो वॉइस है वो हो जाएगा फारूक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास Audacity होना चाहिए, अगर नहीं है तो फटाफट नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, डाउनलोड कर लो, फ्री है, क्योंकि इसमें आपको ऑडियो एडिटिंग का कुछ कमाल का फीचर्स मिलता है। तो सबसे पहले इसका मैं एक सैम्पल रिकॉर्ड कर लेता हूँ जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे इम्प्रूव करा जाए, इम्प्रूव नहीं फारूक बनाया जाए। हे गाइस, इट्स ब्रीच एंड दिस इज एन ऑडियो टेस्ट, ओके, दिस इज द क्लिप। सो यहाँ पे आप सुन सकते हो, इसको प्ले करके मैं आपको सुनाता हूँ। Hey guys, it's Beach and this is an audio test. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज है, पहले तो नॉइज को रिमूव करना है। तो ये जो स्टार्टिंग वाला है ये है नॉइज, इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, इफेक्ट में गया, यहाँ पे आपको मिलेगा नॉइज रिडक्शन, गेट नॉइज प्रोफाइल, इस वाले प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल ऑल मतलब पूरे ट्रैक, फिर इफेक्ट, फिर रिपीट नॉइज रिडक्शन करने के बाद ये हो गया ऑडियो। अगर लेंथी है तो ये प्रोसेसिंग दिखाएगा, मेरा लेंथी नहीं है तो सिंपली हो गया। देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वेव्स है वो कम हो गया। उसके बाद हमें करना है कंट्रोल ऑल। अब इफेक्ट में जाके हमें करना है नॉर्मलाइज, यहाँ पे जो भी है रहने दीजिए। ओके, इसको सुन के देखिए एक बार। हे गाइस, इट्स ब्रीच एंड दिस इज एन ऑडियो टेस्ट, ओके, तो ये दो काम हो गया। फिर से कंट्रोल ऑल मतलब पूरे ट्रैक को सिलेक्ट किया हुआ है, फिर इफेक्ट, फिर यहाँ पे जाएंगे इक्वलाइजेशन में, क्योंकि मैं थोड़ा बेस को बूस्ट करूंगा, बेस बूस्ट किया, फिर ओके, देखिए बेस बढ़ गया। तो हमें ट्रेबल्स भी ऐड करना है, उसके लिए फिर से जाएंगे इक्वलाइजेशन, यहाँ पे आपको चीज़ मिलेगा ट्रेबल बूस्ट, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जितने यहाँ पे डिफॉल्ट है वो ट्रेबल बूस्ट हो जाएगा। अगर चाहते हो कि ट्रेबल्स थोड़ा कम बढ़े, मतलब इतना नहीं बढ़े जैसे कि यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो ऐसे ऐसे जा रहा है, इतना नहीं बढ़े, तो आपको उस केस में करना है इसको ऐसे खींच के नीचे कर देना है, और फिर इसको आप एक सेव करके रखना है, इसका नाम क्या है, बस उससे आपको हो जाता है। चलो मैं फिलहाल तो ट्रेबल बूस्ट कर देता हूँ पूरा, फिर ओके कर दिया, यहाँ पे फिर ट्रेबल भी बूस्ट हो गया। अब सुन के देखते हैं। हे गाइस, इट्स ब्रीच एंड दिस इज एन ऑडियो टेस्ट, ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर से कंट्रोल ऑल, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, उसके बाद एक ऑप्शनल स्टेप भी है, फिलहाल तो लास्ट स्टेप है ये। यहाँ पे जाना है आपको कंप्रेशर में। अगर आपका फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे, अगर वेव्स जो है वो हाई रेंज में है, मतलब ऊपर की तरफ है, तो आप इसको कम ही रखिए, 15 से 20 रखना है, ओके, देखिए ये कम हो गया थोड़ा, ओके, अब देखिए प्ले करके सुनते हैं। हे गाइस, इट्स ब्रीच एंड दिस इज एन ऑडियो टेस्ट, ये अभी था। चलिए एक सबसे पहले जो अपना पुराना रिकॉर्डिंग है वो आपको प्ले करके दिखाता हूँ अभी। दोस्तों ये सबसे पुराना था, मैं इसको क्ले के आया, सुना के दिखाता हूँ आपको। हे गाइस, इट्स ब्रीच एंड दिस इज एन ऑडियो टेस्ट। तो दोस्तों आपने देख लिया, बहुत ही मैजिकल डिफरेंस है इन दोनों में, मतलब कमाल का डिफरेंस है। और एक चीज यहाँ पे आपको मैं बोलना भूल गया, ना ऑडियो है उसको इंपोर्ट करा देता हूँ, एक मिनट, यही ऑडियो था। अब तो अब आपको करना है कंट्रोल ऑल, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो चलिए मैं रिवर्ब डाल देता हूँ यहाँ पे, रिवर्ब, यहाँ पे देखिए रूम्स है, मतलब क्या रिवर्ब में क्या होता है, जैसे कि आप रूम में, बड़े वाले रूम में बोल रहे हो तो उसका रिफ्लेक्शन आता है ना, उस टाइप का कुछ है। चले रिवर्ब में मैं देखता हूँ, ये यहाँ पे जो आपको बहुत कुछ ऑप्शन नीचे तो मिल जाएगा, वो सब आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। रूम साइज को आपको चेंज जितना बढ़ाओगे उतना रिवर्ब हो जाएगा, सर मैं इतना रखता हूँ। तो फिर हे गाइस, इट्स ब्रीच एंड दिस इज एन ऑडियो टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको 10 से 15 के बीच रख दीजिए, परफेक्ट रिवर्ब बन जाएगा, मतलब जितना आपको चाहिए वीडियो के हिसाब से ये परफेक्ट हो जाएगा। हे गाइस, इट्स ब्रीच एंड दिस इज एन ऑडियो टेस्ट। तो दोस्तों ये करने के बाद आपका साउंड सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपका बेसिक ईयरफोन है तो उससे भी आपको रिकॉर्डिंग करो, यहाँ पे आपको सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है ये। तो अगर आपने अभी तक सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे, डाउनलोड करो, क्योंकि फ्री है यार, फ्री में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है।
तो सर मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अगर मन में कुछ भी दाओ तो यार नीचे कमेंट में बताओ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियोज और बहुत कुछ टेक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टाफ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड डे।